This is the problem which we will be solving today. So here we have four number of buses, 1, 2, 3, and 4. So out of which bus number 1 and bus number 4 is having the generators connected to it, and the values of the self impedance is given one by one according to this particular diagram. Okay, so the question is find Z bus by algorithm. Find Z bus by algorithm. So we have already done one numerical. Now this is the second one, and in the second one we have increased our difficulty level by adding fourth bus. So in the previous problem we had only three buses. So you had seen that when we have three buses, the solution that we got is 3x3 matrix, right? So can anyone tell me what will be the matrix of this particular problem? What will be the size of matrix of this particular problem? Anyone? So in the last problem we have seen that there were three buses, so the answer that we got was a 3x3 matrix. So which type of matrix or what will be the size of matrix that we will get in this particular case? So I require answer. Kaun batayega, jaldi se batao. Iske pehle wale problem mein teen buses the, physical buses hame diye to nahi the, but jo graph hame provided tha usme teen nodes the aur ek reference tha. To uspe se humne kya samjha ki teen physical buses hai to 3x3 ki matrix bani. Ab यहां पर चार फिजिकल बसेस है तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी? यस, जल्दी से रिप्लाई करो. यहां पर अगर चार बसेस है, दिख रहा है ना सबको? चार बसेस दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यस, तो चार बसेस है तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी? अगर चार बसेस है तो बहुत क्लियर है, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी. राइट, सो 4x4 मैट्रिक्स हम बनाएंगे. अभी यहां पर हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. आप सभी को प्रोसेस अच्छे से पता है कैसे बनाते हैं हम लोग. तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें ये जो पावर सिस्टम नेटवर्क दिया हुआ है इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. बराबर, ग्राफ बनाने के बाद उसमें ब्रांच और लिंक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं बनेगा ब्रांच किसको लेना लिंक किसको लेना ये हमें समझ में नहीं आएगा. और जब तक ब्रांच और लिंक हमें नहीं मिलेगा हम फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे. बराबर, क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है. एडिशन ऑफ ब्रांच के लिए एक फॉर्मूला है, एडिशन ऑफ लिंक के लिए दूसरा फॉर्मूला है, मॉडिफिकेशन ऑफ जेड बस के लिए दूसरा फॉर्मूला है. तो सारे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, हमें सिर्फ वो फॉर्मूलेस को लगाना है और सोल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर सिस्टम नेटवर्क. सो इसका ग्राफ कैसे होगा? अब ग्राफ हम जब बनाते हैं तो आप सबको पता है कि जो नोड में जनरेटर लगा हुआ है उसको एक लाइन में हमें बनाना है. क्यों? क्योंकि उसको हमें रेफरेंस से जोड़ना है. तो यहां पर जनरेटर किसको कनेक्टेड है? 1 और 4 को कनेक्टेड है. तो 1 और 4 को हम एक लाइन में बनाएंगे ताकि हम उसे जनरेटर से जोड़ पाए. ठीक है, उसके बाद 1 से 2 कनेक्टेड है और 4 से 3 कनेक्टेड है. तो हम इस तरीके से बनाएंगे, 1 से 2 को कनेक्ट करेंगे और 4 को 3 से कनेक्ट करेंगे और एक एक करके सबको जोड़ना स्टार्ट कर देंगे. जनरेटर 1 और 4 में है तो हमने रेफरेंस जोड़ दिया जनरेटर के साथ में. उसके बाद 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, देन 3 से 4 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड है.
तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। अब इसको हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्शन हमने बहुत क्लियरली बताया कि अगर प्रॉब्लम में डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है तो हमने क्या थंब रूल फॉलो करना है, हमने थंब रूल फॉलो करना है लोअर नोड से हायर नोड। मतलब क्या करना है, हमें छोटे नोड से बड़े नोड पे एरो लेके जाना है। ये कब करना है हमें, ये तब करना है जब हमें प्रॉब्लम में डायरेक्शन दिए हुए ना हो। अगर प्रॉब्लम में ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम उस डायरेक्शन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन। जैसे इसके पहले कभी तो भी हमने इस टाइप का एक पावर सिस्टम नेटवर्क ऑलरेडी देखा हुआ है, तो उस पावर सिस्टम नेटवर्क में डायरेक्शंस भी दिए हुए थे तो हमने उसी डायरेक्शन को लेके आगे सॉल्व किए थे। बट यहाँ पर डायरेक्शन दिए हुए नहीं है तो हमने जब डायरेक्शन लेना है तो हमने क्या फॉलो करना है, हमने फॉलो करना है लोअर नोड से हायर नोड। ठीक है, तो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 1 से 4, इस तरीके से हमने डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, अब एक एक करके जब हम एलिमेंट्स को नंबरिंग करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम एलिमेंट्स को नंबरिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि 1 ऐड हो तो नोड 1 ऐड होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट ऐड हुआ तो नोड 2 ऐड होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट ऐड हुआ तो नोड 3 ऐड होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट ऐड हुआ तो नोड 4 ऐड होना चाहिए, ऐसे करके। और फिफ्थ, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स रहेंगे तो बचे हुए जो 2 एलिमेंट्स है वो नेचुरली लिंक बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसको हम नंबरिंग करते हैं। देखो 1, 2, 3 और 4 के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस है। देखो, मैं इसको भी 4 दे सकता हूँ, इसको भी 4 दे सकता हूँ, या इसको भी 4 दे सकता हूँ, है ना। इट्स माई चॉइस। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रांच को चूज करते हैं तो आपको पता है कि रूल्स क्या होता है। रूल्स ये होता है कि ब्रांच चूज करते समय आपके सारे नोड्स अवेलेबल होने चाहिए और कोई भी क्लोज पाथ नहीं रहना चाहिए, ये 2 रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये 2 रूल तो हर एक चीज में फॉलो होगा। अगर आपने इसको 4 लिया तो ये दोनों जो है वो लिंक बन जाएंगे, तो सारे नोड्स अवेलेबल हुए। आपने इसको 4 लिया तो सारे नोड्स अवेलेबल है और ये 2 लिंक बन जाएंगे। अगर आपने इसको 4 लिया तो ये 2 लिंक बन जाएंगे। तो एट एनी केस मैं इसको भी 4 नंबर कर सकता हूँ, इसको भी 4 कर सकता हूँ, या इसको भी 4 कर सकता हूँ, इट्स माई चॉइस। तो कभी भी सेकेंड यूनिट के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जब सॉल्व करोगे तो कोशिश ये करो कि आपके रेफरेंस में से अगर कोई नंबरिंग आप दे पा रहे हो तो उनको पहले दो। क्यों? क्योंकि रेफरेंस जो है पी वाला नोड 0 हो जाता है तो हमको एक फॉर्मूला कम लगाना पड़ता है। जैसे कल आपने देखा था कि एडिशन ऑफ ब्रांच में दो फॉर्मूला था, जेड हाँ पी आई इक्वल टू जेड क्यू आई और जेड क्यू क्यू इक्वल टू जेड पी क्यू प्लस जेड पी क्यू। ठीक है, तो इसमें से जेड पी आई इक्वल टू जेड क्यू आई हम कब नहीं लगा रहे थे, जब हमारा पी जो है रेफरेंस नोड हो रहा था। तो अगर मैं इसको 4 दे दूं तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा, मतलब एक कैलकुलेशन वाला जो स्टेप है वो मुझे कम करना पड़ेगा, बराबर। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं इसको 4 दे दूंगा और ये एट रैंडम इसको 5 और इसको 6, क्योंकि ये लिंक है तो लिंक वैसे भी ऐड होता है तो हमें पता है कि वो वापस हमें रिमूव करना पड़ता है, हमारा जो जेड बस है उससे एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसको मैं 5 और इसको 6 दे दूंगा। ओके, सो यहां से आपको क्या पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 6 है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, देखो फिजिकल नोड 4 और एक रेफरेंस नोड मतलब 5, मतलब टोटल नोड्स कितने हो गए, 5। तो ब्रांच कितने होंगे, ब्रांच विल बी इक्वल टू एन माइनस वन मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, और लिंक इक्वल टू क्या होगा, लिंक इक्वल टू होगा व्हाट विल बी लिंक, लिंक का फॉर्मूला हमको पता है, लिंक का फॉर्मूला होता है ई माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है इसमें हमें क्लियरली ब्रांच और लिंक को आइडेंटिफाई करना है। तो एज पर अवर थंब रूल हम क्या करते हैं, जनरली हमारे थंब रूल के हिसाब से पहले के जो एलिमेंट्स है उसको ब्रांच रखने की कोशिश करो और बाद में के जो एलिमेंट्स है उनको लिंक रखने की कोशिश करो। तो अगर ऐसा फॉलो हो रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो जो रूल है उसके हिसाब से फॉलो करो। तो ये हमारा ग्राफ बना।
अब हम बनाएंगे ट्री और कोटरी, क्योंकि तभी हमारा काम स्टार्ट होगा। सो ट्री एंड कोटरी वी विल मेक। सो ट्री और कोटरी जैसे हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ट्री और कोटरी, तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 को ब्रांच लेते हैं और 5 और 6 को लिंक रखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारा जो रूल है वो फॉलो होता है कि नहीं होता है। अगर रूल फॉलो हो गया तो हम 1, 2, 3, 4 को ही ब्रांच लेंगे, 5 और 6 को लिंक लेंगे। तो हम यहाँ से हमारा जो ग्राफ है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ट्री और कोटरी में, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 4 हमने नाम दिया है इसको, तो ये हो गया 4, ठीक है। देखो हमारे दोनों रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो, हमारे दोनों रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि सारे नोड्स प्रेजेंट चाहिए ब्रांच चूज करते समय, तो फर्स्ट रूल फॉलो हुआ? फर्स्ट वाला जो रूल है वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट रूल क्या है? सारे नोट्स अवेलेबल चाहिए, हुए? येस और नो? अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई फास्ट। फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल है ऑल द नोट्स शुड बी प्रेजेंट। सो वेदर ऑल द नोट्स आर प्रेजेंट और नॉट, येस। देन व्हाट इज सेकेंड रूल? ऑल देयर शुड बी नो क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ बना क्या? कहीं पे भी क्लोज पाथ दिख रहा है क्या? दैट मीन्स हमारे दोनों रूल्स फॉलो हुए कि नहीं? यस, हमारे दोनों रूल्स फॉलो हुए। तो अगर दोनों रूल्स हमारे फॉलो होते हैं तो कैन वी टेक दिस 1, 2, 3, 4 एज ब्रांच? यस। तो अब बचा कौन? बचे हैं 2 एलिमेंट्स, तो उनको हम बना देंगे डॉटेड लाइन से इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम था 5 और इसका नाम था 6। तो ये हो गया हमारा ट्री एंड कोट्री, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है वैसे हमें सेल्फ इम्पीडेंस के वैल्यूज चाहिए, है ना। हमें सेल्फ इम्पीडेंस के वैल्यूज लगेंगे तभी तो हम एडिशन ऑफ ब्रांच और लिंक का फॉर्मूला में बिठा पाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इनके जो वैल्यूज है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। इनके वैल्यूज क्या क्या है लेट अस सी। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से 1। देखो 0 क्या है? जनरेटर। तो जनरेटर से 1 इसका वैल्यू क्या है? 0.1, ठीक है। जनरेटर से 1 का वैल्यू है 0.1, तो मैं यहां दे दूंगा 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जनरेटर से 4। जनरेटर से 4 का वैल्यू क्या दिख रहा है डायग्राम में, पावर सिस्टम नेटवर्क में? 0.12 दिख रहा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 0.12, ठीक है। उसके बाद 1 से 2, देखो ये नोड नंबर 1 है, यहां से 2 इसकी वैल्यू क्या दी है? 0.2, तो मैं यहां पर 2 के बाजू में लिख दूंगा 0.2। उसके बाद 2 से 3, 2 से 3 क्या है? 2 से 3 है 0.22, तो मैं यहां लिख दूंगा 0.22। उसके बाद 3 से 4, देखो 3 से 4 ये है, 3 से स्टार्ट हुआ और ये 4 पे चले गया, इसका वैल्यू दिया है 0.3, तो मैं ये ले लूंगा 0.3। और उसके बाद 1 से 4 देखो क्या है, 1 से 4 0.43 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0.43। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने सारे जो वैल्यूज है जो प्रॉब्लम में दिए हुए थे वो एक एक करके हमने हमारे ट्री और कोटरी में लिख दिया। अब ये हमारा पूरा प्रॉब्लम डायग्राम पूरी तरीके से तैयार हो गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम एंड फाइंड द जेड बस बाय द अल्गोरिदम टेक्निक विच इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहां तक हमारा पूरा जो प्रोसेस था ये सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिए था। रिक्वायरमेंट मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेगा उसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी को पता है, स्टेप्स लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1। व्हाट विल बी स्टेप 1? स्टेप 1 विल बी एड एलिमेंट, ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा,
ठीक है, हमेशा एलिमेंट वाइज हम ऐड करते जाते हैं। तो ऐड एलिमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे वन। सो ऐड एलिमेंट वन विच इज ए, क्या है बताओ एलिमेंट वन, व्हाट इज एलिमेंट वन? यस क्विकली रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, व्हाट इज एलिमेंट वन? वेरी गुड। सो एलिमेंट वन इज अ ब्रांच। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। ब्रांच है कि लिंक है, जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, है ना? सो फर्स्ट एलिमेंट इज अ ब्रांच। जैसे ही हम ये लिखते हैं हमको पी और क्यू लिखना होता है। सो व्हाट इज पी? पी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द एंड पॉइंट, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? वन। नाउ हियर पी इज इक्वल टू रेफरेंस नोड, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूला जो है एडिशन ऑफ ब्रांच का वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ ब्रांच के कितने फॉर्मूलेज है? दो फॉर्मूलेज है, दोनों लिखता हूं मैं यहाँ। जेड पी आई इज इक्वल टू जेड क्यू आई, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है जेड क्यू क्यू इज इक्वल टू जेड पी क्यू प्लस जेड पी क्यू डॉट पी क्यू, आउट ऑफ विच वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। वाई? बिकॉज पी इज रेफरेंस नोड। ठीक है, तो हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्यू हमारा वन है, तो यहां से हमें मिलेगा जेड वन वन इज इक्वल टू जेड जीरो वन प्लस जेड जीरो वन डॉट जीरो वन। बराबर, यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो वन मतलब जीरो बिकॉज इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेफरेंस, और जीरो वन डॉट जीरो वन मतलब जीरो और वन के बीच में का सेल्फ इंपेडेंस। तो जीरो और वन के बीच में का सेल्फ इंपेडेंस क्या है? 0.1 है। तो यहां से हमें ये मिल रहा है जेड वन वन इज इक्वल टू 0.1। ये होने के बाद हमने जेड बस लिखना है, जेड बस इज इक्वल टू वन वन, और जेड वन वन का वैल्यू हमें मिला 0.1, तो इसलिए हमने यहां लिखा 0.1। सो इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप कल जैसे हमने किया था सेम स्टेप है। एवरीडे हमारे प्रॉब्लम जो है ये बदलते जाएंगे, है ना? हर टाइप के हमें प्रॉब्लम कर लेने हैं, हर टाइप के प्रॉब्लम हमने एक एक कर लिया तो हमारा यूनिट तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक सैम्पल प्रॉब्लम हमने कल कंप्लीट किया, अभी नेक्स्ट हमने आज स्टार्ट किया, देखते हैं इसको कितने दिन लगते हैं। एट द मैक्स इसको दो दो ही दिन लगने चाहिए अभी, क्योंकि पहले प्रॉब्लम को हमें समय लगा था। पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारा समझना था हमें कैसे किया जाता है, इसीलिए टाइम लग गया। नाउ वी शुड नॉट टेक मच टाइम, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, शैल वी मूव टू सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप पे जाए, जल्दी रिप्लाई करो, सेकेंड स्टेप पे जाना है या ये स्टेप किसी को डाउट है तो पूछ लो। सो वी विल मूव टू सेकेंड स्टेप देन। सो आई विल राइट सेकेंड स्टेप फ्रॉम हियर, स्टेप टू। सो व्हाट विल बी स्टेप टू? स्टेप टू विल बी अगेन रिपीटेड सेम। मयूरी आई डोंट थिंक साउंड का कोई प्रॉब्लम है। अदर स्टूडेंट इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ साउंड? किसी को साउंड का कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज टुडे आई एम फ्रॉम होम ओनली, घर से ही हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होना चाहिए साउंड का। जिनको भी साउंड का इश्यू आ रहा है वो प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाए, तो आपको साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज एज फार एज माई एरिया इज कंसर्न आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद द नेटवर्क। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टेप टू। स्टेप टू क्या होगा? एड एलिमेंट टू। बताओ टू क्या है? ब्रांच है कि लिंक है? एड एलिमेंट टू, बताओ टू क्या है? ब्रांच है कि लिंक है? वेरी गुड। सो एलिमेंट टू इज ऑल्सो अ ब्रांच। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। सो टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो टू इधर है, टू स्टार्ट हुआ वन से और खत्म कहाँ हुआ? टू पे। दैट मीन्स पी इक्वल टू क्या होगा? यस जल्दी रिप्लाई करो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी? व्हाट शुड बी पी? वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी? वेरी गुड, वन।
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू, वेरी गुड, सो क्यू का वैल्यू होना चाहिए 2. सो इस तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट हमने ऐड एलिमेंट 2 किया विच इज अ ब्रांच, और p इक्वल टू 1 किया एंड q इक्वल टू 2 किया. इसके बाद अब यहाँ पे हमें ये दोनों फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि p इज नॉट अ रेफरेंस नोड नाउ, है ना, p देखो 1 है तो p रेफरेंस है क्या, नहीं, p 1 है, दैट मींस p इज नॉट अ रेफरेंस नोड, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू अप्लाई बोथ दिस फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला लगाना कैसे, देखो अब जैसे हम जेड बस बनाएंगे सेकेंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप से हमें ऑलरेडी 1 मिला हुआ था, है ना, फर्स्ट स्टेप से हमें ये Z11 मिला हुआ था. अब ये स्टेप के एंड में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये नोड 2 ऐड हुआ, इसीलिए हमारे Z बस में भी 2 ऐड होगा, तो हमारा Z बस कुछ इस तरीके से दिखेगा, Z11, Z12, Z21, Z22, ऐसे दिखेगा हमारा Z बस. तो अगर हमारा Z बस ऐसे दिखा, जिसमें से हमें अभी सिर्फ ये पता है, Z11 हमें पता है, हमें Z12 निकालना है, Z12 निकला तो Z21 निकल जाएगा और Z22 निकालना है, तो ये Z12 जो है ऑफ डायगनल एलिमेंट है, ऑफ डायगनल एलिमेंट के लिए फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है और डायगनल एलिमेंट के लिए सेकेंड फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. और यहां पर I जो है इसको कुछ इस तरीके से वैरी करना है, क्योंकि ये वेरिएबल है, P और Q चेंज नहीं होंगे, P क्या है 1 और Q क्या है 2, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, चेंज कौन होगा, चेंज होगा I, तो I को आपको कुछ इस तरीके से रखना है ताकि आपका ये Z12 या 21 मिले, ठीक है. तो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, देखो कैसे लिखूंगा, ZPI, P क्या है 1 है, तो मैं सबसे पहले इसको 1 लिख देता हूं, इक्वल टू साइन देता हूं, उधर मैं पहले Q का 2 लिख देता हूं. अब देखो ZPI का मैंने P लिख दिया, ZQI का मैंने Q लिख दिया, अब मुझे यहां पर I का वैल्यू कुछ इस तरीके से चाहिए ताकि मुझे ये Z12 या Z21 में से कोई भी वैल्यू मिल जाए. तो प्रेफरेबली हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहां मैं अगर 1 दिया तो ये क्या बन जाएगा Z11, और यहां मैंने दिया 1 तो ये क्या बन जाएगा Z21. अब बताओ Z11 हमको ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है, Z11 हमको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z11, यस समवन रिप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z11, वेरी गुड, सो Z11 ऑलरेडी हमें पता है 0.1 है, तो अगर यहां मैं 0.1 इक्वल टू Z21 लिखू तो देखो मुझे 21 मिल गया, है ना, अगर 21 मिल गया तो 12 भी तो मिल गया, है ना, तो यहां पर मैं इसको स्टॉप करता हूं. इसके बाद मैं लिखूंगा सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है ZQQ इज इक्वल टू ZPQ प्लस ZPQPQ, ठीक है. तो सेकेंड फॉर्मूला यहां मैं लगाता हूं, देखो सेकेंड फॉर्मूला में ZQQ, क्यू क्या है 2, तो ये फॉर्मूला में क्या बन जाएगा Z22 इज इक्वल टू ZPQ, P क्या है 1, यहां हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और Q क्या है 2, तो हम लिखेंगे Z12 प्लस Z12.12, बराबर. तो ये क्या बन जाता है, देखो Z12 मतलब Z21 ऑलरेडी मिला हुआ है 0.1, तो यहां मैं लिखूंगा 0.1, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है. 1212 क्या है, 1212 मतलब ये 1 और 2 के बीच में ये जो सेल्फ इंपेडेंस है ये, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.2, तो यहां से मुझे ये क्या मिलेगा 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3. ऑलराइट, समझ में आया सबको, समझ में आया ये स्टेप सभी को, और जब ये हमें सारा मिल जाए तो हमें इस जेड बस के फॉर्मूला में यहां लिखना है ये सारे वैल्यूज, ठीक है. तो ये सारे वैल्यूज हम यहां लिख देते हैं एक एक करके, ये मैं यहां से ये हटा देता हूं और इसके जगह पे मैं इनके एक्चुअल वैल्यूज लिख देता हूं. ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया था, तो अब मेरे पास वैल्यूज आ चुके हैं, तो अब मैं यहां पर एक एक करके वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूं. ओके, सो Z11 ऑलरेडी मिला हुआ था 0.1, Z12 अभी मिला वो भी है 0.1,
Z21 भी 0.1 होगा क्योंकि ये 0.1 है, और Z22 हमें मिला 0.3। तो इस स्टेप के एंड में हमें क्या मिला? इस स्टेप के एंड में हमें मिला Z बस, जिसमें हमारा 1 और 2 ऐड हो गया। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनी वन टिल दिस स्टेप? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर स्टेप नंबर 2। सिमिलरली अब हमें स्टेप नंबर 3 चलाना पड़ेगा, है ना? स्टेप नंबर 3 में हमें सेम चीजें रिपीट करनी पड़ेगी जो स्टेप नंबर 2 में की। तो इसके लिए हमें ये डायग्राम लगेगा। लेट मी क्रॉप द डायग्राम फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ वी विल रन अवर स्टेप नंबर 3। सो जैसे स्टेप नंबर 2 किया वैसे ही स्टेप नंबर 3 करेंगे हम अभी। तो स्टेप 3, व्हाट विल बी स्टेप 3? ऐड एलिमेंट 1। अब फटाफट कर रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐड एलिमेंट 3, जिनको ये समझ में आ गया है वो अपने कॉपी में सॉल्व करो, और जब हम यहां पर लिखेंगे तो मुझे आंसर्स बताते जाओ। एड एलिमेंट 3 अगेन विच इज ए ब्रांच, देन वॉट विल बी पी एंड क्यू? पी विल बी इक्वल टू 2 एंड क्यू विल बी इक्वल टू 3। देन फर्स्ट फॉर्मूला विल बी जेड पी आई। तो जेड पी आई, सबसे पहले हम 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो हमें मिलेगा जेड पी आई इज इक्वल टू जेड क्यू आई। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगा 2 1, इसके पहले हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो 2 1 क्या है? 0.1 है। तो यहां से हम लिखेंगे Z21 इज इक्वल टू Z31 इज इक्वल टू 0.1। सिमिलरली I का वैल्यू मैं अगर 2 कर दिया तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा Z22 इज इक्वल टू Z32, और 22 हमने निकाला हुआ है 0.3, तो यहां से मुझे यहां मिलेगा 0.3। ये मिल गए मुझे ऑफ डायगनल टर्म्स फर्स्ट फॉर्मूला से। अब डायगनल टर्म के लिए मैं बनाऊंगा थर्ड फॉर्मूला, ठीक है? सो थर्ड फॉर्मूला विल बी इन दिस, सॉरी सेकेंड फॉर्मूला विल बी इन दिस वे। Z33 इज इक्वल टू Z23 प्लस Z23.23। 23 अभी निकाला है, देखो 32 मतलब 23, तो यहां से मिला मिला मुझे 0.3 प्लस 2323। देखो 2323 मतलब 2 और 3 के बीच में ये जो सेल्फ इम्पीडेंस है ये, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.22, तो यहां से मुझे ये मिला 0.52। ठीक है, अब इसको मैं लिख दूंगा जेड बस में, तो मुझे हो जाएगा ये स्टेप का एंड, स्टेप नंबर 3 का एंड, 1 2 3। क्योंकि थर्ड एलिमेंट ऐड हुआ तो कौन सा बस ऐड हुआ? थर्ड ऐड हुआ तो ये नोड 3 ऐड हुआ, इसीलिए 3 को हमने यहाँ पे ऐड किया, 1 2 एंड 3। सो Z11 ऑलरेडी मिला हुआ था 0.1, Z21 भी 0.1 मिला हुआ था, Z21 0.1, और ये 0.3, यहां तक सेकेंड स्टेप से मिला हुआ था। अब इसके आगे का थर्ड स्टेप से मिल रहा है। 31 इज इक्वल टू 21, दैट इज इक्वल टू 0.1। 32 इज इक्वल टू 23, दैट इज इक्वल टू 0.3, सॉरी 22, और उसके बाद 0.1 और 0.3, और उसके बाद Z33 मिला 0.52। तो यहां से हमें ये स्टेप नंबर 3 का, 3 के एंड में हमें ये वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, सब अपने अपने कॉपीज में करो और आंसर्स को क्रॉस चेक करो। कल जो प्रॉब्लम हमने किया सेम तरीके से हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक एक करके हम स्टेप्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4, ऐड एलिमेंट 4 विच इज अ ब्रांच। ठीक है, अब यहां पर पी इक्वल टू 0 होगा और क्यू इक्वल टू 4 होगा। देखो 4 कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। एंड कहां पे हुआ? 4 पे। तो 0 से 4 पे एंड हुआ, दैट मीन्स पी 0 है और क्यू 4 है।
तो पी अभी रेफरेंस हुआ है ना, पी अगर रेफरेंस होता है तो हम पहला फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या होगा, Z44 इज इक्वल टू Z04 प्लस Z04.04। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, यहां से 04, देखो 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए 0 हो गया, 04.04 मतलब 0.12। तो ये होगा, यहां से हमें ये क्या मिला, यहां से हमें ये मिला Z44 इज इक्वल टू 0.12। ठीक है, और 4 के एंड में फिर हमारा जेड बस कैसे दिखेगा, लिख लेते हैं हम यहाँ। 4 के एंड में हमारा जेड बस कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 के एंड में 1 2 3 तो पहले से ही आ चुका है हमारे पास, तो 1 2 3 को एज इट इज फिर से लिखेंगे हम, 1 2 3 और अब ऐड हुआ ये 4, तो बस नंबर 4 ऐड होगा एलिमेंट नंबर 4 के ऐड होने पे। तो एक एक करके हम यहाँ पर सब चीजें फिल करेंगे, 1 2 3 तक ऑलरेडी हमें प्रीवियस स्टेप से आ चुका है, तो वहां से देख के लिखेंगे 0.1, लेट अस सी व्हाट आर द वैल्यूज, 0.1 0.1 0.1 देन 0.1 0.3 0.3 देन 0.1 0.3 0.52। यहां तक हमें प्रीवियस स्टेप से आ चुका है। इस स्टेप से हमें क्या मिला, देखो इस स्टेप से हमें हमें मिला ओनली Z44 और उसका वैल्यू है 0.12, बाकी तो कोई चीज मिला ही नहीं, तो इसीलिए सारे चीजों को क्या कर देना, जीरो। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें हमने निकाली ही नहीं ना, अगर बाकी चीजें हमने निकाली ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो बाकी चीजें क्योंकि हमने निकाली नहीं इसीलिए हम यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे जीरो से। ठीक है, सो 0 0 0, सो दिस विल बी द एंड ऑफ स्टेप नंबर 4। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग दिस इन योर कॉपी एंड क्रॉस चेक दिस सॉल्यूशन हियर इन द क्लास, है ना। अपने अपने कॉपी में इसको सॉल्व करो और कहीं पे आपका आंसर और मेरा आंसर अगर मैच नहीं हो रहा हो तो रिप्लाई करो। सो आर यू ऑल डूइंग इन योर कॉपी, सब लोग कर रहे हो, देन वी विल स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 अगेन वी विल राइट द सेम स्टेटमेंट बट हियर वी हैव टू चेंज इट। सो एड एलिमेंट 5 विच इज ए, नाउ वॉट इज एलिमेंट 5, प्लीज चेक फ्रॉम योर ग्राफ, ग्राफ में से सॉरी ट्री, को ट्री से देख के बताओ 5 क्या है, वॉट इज 5, ब्रांच और लिंक। वेरी गुड, सो 5 इज अ लिंक। तो अगर 5 लिंक है तो हम क्या करेंगे, 5 लिंक है तो हमें लिंक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बराबर। तो लिंक के फॉर्मूला में के लिए हमें पी और क्यू लगेगा ऑब्वियसली, सो हम पी और क्यू लिखते हैं, लेट अस राइट फर्स्ट पी एंड क्यू एंड देन स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो यहां हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू, देखो कहां से स्टार्ट हुआ 5, 5 स्टार्ट हुआ 3 से, कहां पे एंड हुआ 4 पे, तो 5 के लिए हमें लिखना पड़ेगा P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 4, सॉरी सॉरी सॉरी, P P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 4। ओके, सो P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 4। सो ये हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लिंक का फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन में ही लिख दिया कि विच इज अ लिंक। नाउ अभी तक जो हम ब्रांच के फॉर्मूले लगा रहे थे अब हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे, आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, कल ही हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर से एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ, ZLI इज इक्वल टू ZPI माइनस ZQI, और दूसरा फॉर्मूला है ZLL इज इक्वल टू ZPL माइनस ZQL प्लस ZPQ.PQ। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, इसके हेल्प से हमें लगाना है, लेकिन उसके पहले हमें ये थॉट प्रोसेस क्लियर करना है कि जब ये हम लिंक ऐड कर रहे हैं
तो ये 1 2 3 4, और यहां 1 2 3 4 ये जो हमने लिखा है, इसके बाद 5 नहीं आएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? बिकॉज देयर इज नो फिफ्थ नोड इन द इन योर ट्री एंड को ट्री, है ना. देखो ट्री में आपके 1 है 2 है 3 है 4 है 0 है. 0 तो हम लेते ही नहीं जेड बस में, है ना. हम क्या लेते हैं? फिजिकल बसेस. तो फिजिकल बसेस कौन कौन है? 1 है 2 है 3 है 4 है, है ना. तो हमारा ये जो जेड बस आएगा, इस जेड बस में अब ये 4 के बाद क्या लगेगा? कैन समवन रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. ये जो जेड बस अभी ये फिफ्थ स्टेप में हम निकाल रहे हैं, ये 4 के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ऊपर और यहाँ पर इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन एज वेल एज इन द वर्टिकल पोर्शन हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ क्या लिखेंगे हम बताओ? 5 तो हम लिख ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि 5 है ही नहीं हमारे सिस्टम में. वेरी गुड. सो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा L, और यहां पर भी नीचे हमें लिखना पड़ेगा L. तो अगर हमने यहाँ L लिखा तो फर्स्ट रो का ये L वाला जो कॉलम है ये क्या आएगा? L1, है ना. L2, L3, L4 और LL. सिमिलरली 1L, 2L, 3L, 4L और LL. बराबर. तो इसलिए हम डायरेक्टली यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे. I को पहले 1 लेंगे और हम L1 का फॉर्मूला लिखेंगे. सो L1 इज इक्वल टू Z. अब P देखो क्या है. P है 3, I हमने ले लिया 1, माइनस Z Q है 4, I है 1. सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया. 3-1 देखो क्या है. 3-1 ये है. 3-1 इज 0.1 माइनस 4-1 क्या है देखो. 4-1 0 है. सो दिस बिकम्स योर 0.1. ठीक है. LL बाद लास्ट में आएगा. L2 इज इक्वल टू Z32 माइनस Z42. देखो ये P और Q को नहीं हाथ लगाना. P3 है और Q4 है. चेंज क्या करना? I को पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्योंकि हमारे पहले वाले फोर्थ वाले स्टेप से हमें ये 4x4 की मैट्रिक्स मिली है, इसीलिए हम 4 तक जाएंगे. ओके. Z32 32 क्या है? 32 है 0.3 माइनस 42 क्या है? 42 है 0. सो यहां से हमें क्या मिला? 0.3. देन ZL3 इज इक्वल टू Z33 माइनस Z43. 33 क्या है? 0.52 माइनस 43 क्या है? 0. दैट मीन्स ये भी क्या आया? 0.52. सिमिलरली ZL4 इज इक्वल टू Z34 माइनस Z44. दैट इज इक्वल टू 34 क्या है देखो. 34 इज 0 माइनस 44 इज 0.12. सो यहां से हमें ये मिला माइनस 0.12. और LL का फॉर्मूला क्या है? ZLL इज इक्वल टू ZPL. देखो ये फॉर्मूला PL. P क्या है? 3. तो ये क्या हो जाएगा? 3L माइनस Z4L. क्यूब 4 है इसीलिए 4L प्लस Z34.34. एक एक करके वैल्यूज पुट अप करो. अभी 3L देखो क्या है. 3L आपका है 0.52 माइनस 4L क्या है आपका? 4L है माइनस 0.12 और प्लस Z PQ मतलब ये 3 और 4 के बीच में आपका ये जो वैल्यू था वो. ठीक है. सो 3 और 4 के बीच में क्या वैल्यू है? 3 और 4 के बीच में है 0.3. तो यहां आपको लेना पड़ेगा 0.3. ठीक है. सो यहां मैं लिखता हूं 0.3. ठीक है. सो इसका आंसर क्या आता है बताओ? What is the answer of ZLL? If someone have calculated the value of ZLL, please reply on the chat box. Yes, quickly. If anyone has solved, then please reply on the chat box. If anyone have solved, then please reply on the chat box.
वेरी गुड, सो 0.94 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एल को ऐड करने का प्रोसीजर। तो एल को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, एल को ऐड करने के बाद हम सबसे पहले तो जेड बस लिख लेते हैं। तो जेड बस लिख लेते हैं पहले हम, उसके बाद एलिमिनेट करेंगे एक एक करके। सो जेड बस 1, 2, 3, 4 और यहां पे भी 1, 2, 3, 4 और फिर यहां आएगा L और नीचे में भी L। ठीक है, सो एक एक करके हम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। ओके, सो इट्स बेटर आई विल जस्ट क्रॉप इट फ्रॉम हियर। ओके, सो अब हम एक एक करके L1, L2, L3, L4 ये वैल्यूज लिख लेते हैं। L1 इज 0.1, L2 इज 0.3, सो वी विल राइट हियर वन बाय वन। L1 इज 0.1, L1 इज 0.1, L2 इज 0.3, देन व्हाट इज L3? L3 इज 0.52, L3 इज 0.52। What is L4? L4 is minus 0.12. So we will write here minus 0.12 and LL is 0.94. Same यहाँ पे भी लिख देंगे 0.1, 0.3, 0.52 और minus 0.12. So this is your ZBus when you have added a link. ठीक है, but आप सभी को पता है जब भी हम link add करते हैं हमें ये जो अनवांटेड lth रो और कॉलम है ये हमें हटाना पड़ता है। दैट मींस अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये lth रो और lth कॉलम ये दोनों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एलिमिनेटिंग lth रो एंड कॉलम, बराबर ये लिखते हैं हम एलिमिनेटिंग lth रो एंड कॉलम। और फिर i इक्वल टू स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर j इक्वल टू देते हैं 1, 2, 3, 4, फिर पूरा हम z11, z12, z13, z14 ये हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लेते हैं i इक्वल टू 2 और फिर लेते हैं j इक्वल टू 2, 3, 4, तो हमें ये यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा z22, z23, z24 और फिर i इक्वल्स टू हम लेते हैं 3, J इक्वल्स टू 3 और 4, तो हमें मिलेगा Z22, फिर Z34, Z33 और Z34 और फाइनली I इक्वल्स टू 4 और J ऑल्सो इक्वल्स टू 4, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें मिलेगा ये Z44। दिस विल बी द एंड ऑफ स्टेप नंबर 5।